वास्तविक जीवन कुछ और है, उसको पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। तो गुरु जी उसको कैसे पाए? बोले बेटा सतर्कता, कोई भी सुख और दुख का परिणाम अपने चित्त में क्या होता है, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, इच्छाएं कहां होती है, सतर्कता खोजो। अच्छा अब जाओ। बोले गुरु जी सतर्कता, थोड़ा और भी कृपा करो। बोले जागरूकता, सुख के भोक्ता मत बनो, दुख के भोक्ता मत बनो, दुख और सुख में जागरूक बनो, तब वास्तविक जीवन में जाओगे बेटे। गुरु जी वास्तविक जीवन में जाना तो चाहता हूं, क्या करना चाहिए? बोले जाओ फिर आते रहना, क्या एक दिन में सब सीखना है क्या? बोले कृपा हो जाए, बड़ी शांति मिले। बोले जिज्ञासा, जहां से मैं उठती उसकी जिज्ञासा, मैं दुखी दुखाकार वृत्ति आई, मैं सुखी सुखाकार वृत्ति आई, फिर भी जो नहीं बदला उसकी जागरूकता। शिवा, लोग बोलते हैं ये लोग समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, अरे भाई सत्संग में ये बातें नहीं समझाएंगे तो कहां जाके समझेंगे, माणक चौक में समझेंगे? समझे चाहे नहीं समझे, सुन सुन अंधे पावई राह, सुनते सुनते जिज्ञासा होती। अर्जुन कोई सत्संग सुनने को आया था युद्ध के मैदान में, कृष्ण ने सुनाते सुनाते जिज्ञासा पैदा कर दी और अर्जुन का काम बन गया। हमारे पास कोई सब ब्रह्म ज्ञान लेने आते, लेकिन सुनते सुनते की योग्यता बढ़ जाती। नारायण नारायण नारायण। तो शिवाजी महाराज को यह हुआ, ऐसे करते करते सत्संग सुनते जिज्ञासा प्रयत्न विचार, शिवा त्याग, गुरु जी क्या त्याग? फिर गुरु जी ने बताया कि अहंता का त्याग, ममता का त्याग, ऐसे से त्याग, अपना यश है तो उसमें बड़प्पन का त्याग, और बड़ों के आगे आप सानिध्य लेते हैं तो दोष मिटते हैं। तो निर्दोष होना है तो अपने में निर्दोषता के अहम का त्याग आदि आदि समझते समझते आए हाय, मैं तो शिवाजी को धन्यवाद दूंगा, उनकी जननी को धन्यवाद दूंगा। गला डूब व्यवहार में रहने वाले शिवाजी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जो राजा जनक को हुआ था वो शिवाजी ने किया। शिवाजी राजा थे उसके लिए मुझे आदर नहीं है, लेकिन शिवाजी जिज्ञासु थे, शिवाजी गुरु भक्त थे, और शिवाजी ने समर्थ की कृपा को अच्छी तरह से पचाया, इसलिए मैं शिवाजी के लिए मेरे हृदय में बहुत प्यार है। नहीं तो कहां ब्रह्म परमात्मा की चर्चा और वहां मैं शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, किसी राजा महाराजा के हम मुर्दों की कथा नहीं करते, लेकिन शिवाजी जीवित है, अपने जीवन को जानने वाला पुरुष। मूर्ख जागता नर सेविए, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार विन भूला एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार। हयात गुरु से जो लाभ होता है वो आपके मंदिर वाले भगवान नहीं कर सकते, जो काम साकार भगवान नहीं कर सकते वो काम गुरु के द्वारा होता है। प्रचेताओं ने खूब तपस्या किया और भगवान शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्म प्रयात, भगवान हमें नारायण का दर्शन करने के लिए नारायण की उपासना का विधि आप शिव जी बताएंगे तो हमें नारायण के दर्शन जल्दी होंगे। शिव जी प्रसन्न थे, विष्णु स्तोत्र का उपदेश दिया और विधि बताए और धारणा की रीत बताए। धारणा करते करते ध्यान बन जाएगा, ध्यान बनते बनते तुम्हारी आकर्षण शक्ति से वो देव प्रकट हो जाए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु ने पूछा वरम ब्रयात, तो राजपुत्र बुद्धिमान तो थे, संयमी भी थे, राजभोग का सुख छोड़ के शिव जी के दर्शन करना कोई हरे गरे का काम है? भगवान विष्णु ने कहा वरम बुर्यात, बोले प्रभु शिव जी की कृपा से आपके दर्शन हुए, अब आपकी कृपा से हम क्या चाहें हमें पता नहीं है, और मनुष्य अपने मन से जो भी चाहेगा क्योंकि मन प्रकृति कायनात अभी आपके दर्शन से कुछ सूझ, और हम जो भी चाहेंगे जैसे पतंगिया की चाह से दिया मिल गया तो क्या हुआ, मछली की चाह से कुंडी में फंसती चाह तो आदमी को मारती है, प्रभु हमारा जिसमें कल्याण हो वही आप दीजिए, हम अपने मनोरथ के दास नहीं हैं। मेरी होशो जल जाए तुम्हारी होशो रह जाए,
मेरी इच्छा जो है वो जल जाए। इच्छा ही तो गुलाम बनाती, इच्छा ही तो माँ के गर्भ में भटकाती और गर्भ नहीं मिला तो पेशाब में बहाती है। प्रचेताओं ने कहा कि माधव हम अपने लिए कुछ भी मांगेंगे तो ये दिखने वाले कोई कुछ संस्कार हमारा जिसमें कल्याण हो वही आप कीजिए। तब भगवान नारायण संतुष्ट होकर कहते हैं जाओ मेरी कृपा से तुम्हें संत मिलेंगे। शिव जी का दर्शन हुआ है, विष्णु जी का दर्शन हुआ है, विष्णु जी वरदान दे रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम्हें संत मिले। तो जो काम शिव जी के दर्शन से नहीं हुआ, विष्णु जी के दर्शन से नहीं हुआ, वह नारद जी के सत्संग से हुआ और प्रचेताओं को तात्विक सत्ता का साक्षात्कार हुआ। वही साक्षात्कार शिवाजी ने समर्थ के चरणों में किया।